मारे प्यारे दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पदार्थ का गैसीय अवस्था का, जिसमें कहा गया था, पिछले वीडियो में हम लोग को बताया गया था कि पदार्थ के ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट और पदार्थ के गैसीय अवस्था सॉरी लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था। जबकि अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पदार्थ के द्रव गैसीय अवस्था के बारे में। देखिए, हम लोग मुख्य पॉइंटे गैस के साथ साथ हम लोग बहुत सारे मुख्य पॉइंटे देखना होता है। ये नहीं कि कह दिया गया कि गैसीय पदार्थ जिसका आयतन और आकार अनिश्चित होता है आपका गैस अवस्था कराता है, वो चीज नहीं। हम लोग के मेन भी वह है कंपटेटिव फेज करना, और इसी की जरूरत पड़ती है। चलिए हम लोग स्टार्ट किया जाए पदार्थ के गैसीय अवस्था की। पदार्थ की गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था देखिए, हम लोग बात किया गया था इसमें यानी अर्थात गैस अवस्था आ जाएगा। सबसे पहली बात किया जाए हम लोग की, देखिए यदि पिछले वीडियो में कुछ समझाए थे कि देखिए पदार्थ में कि ठोस अवस्था में बहुत सारे कण भी पाया गया, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें याद कीजिए दो कणों के बीच लगने वाले बल को अंतरणविक आकर्षण बल कहते हैं, इंटरमोलेक्युलर फोर्स कहते थे। जबकि दो स्थानों के बीच जो स्थान बचता था इस स्थान को इंटरमोलेक्युलर स्पेस कहते हैं। गैसीय अवस्था में याद कीजिएगा, इसमें जो पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे कि इंटरमोलेक्युलर फोर्स जो होती है या इंटरमोलेक्युलर फोर्स अर्थात पदार्थ के गैसीय अवस्था नगण्य होती है, यानी अर्थात बहुत कम होता है। यानी दो अणुओं के बीच जो लगने वाला बल होगा वह बहुत कम होगा, यानी नगण्य के बराबर हो। और जब नगण्य होगा, लेकिन याद कीजिएगा इसमें जो कण यानी कण जो होती है वह बहुत दूर दूर होती है। इसके कारण जब दूर दूर होगा तो स्थान बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए इंटरमोलेक्युलर स्पेस का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए। और जब कण बहुत दूर दूर होने के कारण बताइए यह बहुत तीव्र गति से क्या होता है कि बहुत आपका गतिशील हो जाता है। इसलिए याद कीजिएगा तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे इंटरमोलेक्युलर मोशन, यानी जब यह स्पेस बहुत ज्यादा यानी कण दूर दूर तो मोशन बहुत ज्यादा यानी बहुत तीव्र हो जाती है, यानी गतिशील बहुत ज्यादा हो जाता है। जब इस गुण के कारण ही याद कीजिएगा आयतन एवं क्या चीज हो गया आकार अनिश्चित होता है। जैसे हम आप लोग को बताएं कि यदि वह कोई गैस को आप रखे हुए गैसीय पदार्थ को जब रखे हुए हैं उसको आप जो है बंद किए हुए हैं और बंद को क्या आप खुले में रख दीजिए, यदि वह खुला में डालिएगा तो बताइए इस जैसे इसमें डालिएगा तो इसमें रह नहीं पाएगा, यानी फैल जाएगा, यानी न तो स्थान घेर पाएगा न तो आकार बना पाएगा। इसलिए आयतन और आकार दोनों क्या होता है अनिश्चित होता है, यानी जिसे हम लोग पदार्थ के गैसीय अवस्था कहलाता है। याद कीजिए प्रकृति में हम लोग पदार्थ के दो अवस्था पाई जाती है, यानी दो प्रकार पाए जाते हैं। देखिए प्रकृति की बात किया जाए तो प्रकृति में गैस दो रूपों में पाए जाते हैं। कितने रूपों में? दो रूपों में पाए जाते हैं। यानी पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे एक परमाण्विक हो जाएगा, और दूसरा नंबर पढ़ेंगे द्विपरमाण्विक होगा। एक परमाण्विक गैस किसको कहेंगे, जो कि याद कीजिएगा एक परमाण्विक गैस देखिए हम लोग याद करेंगे हेन ने तो उन्हें से बोलेगा ए रे, तो उन्हें से फिर बोलेगा कार रे, तो देखिए यहाँ जीरो रन हो गया, अर्थात हेन ने ए रे कार रे जीरो रन
अर्थात याद कीजिएगा, इसको हीलियम, इसको नियॉन, इसको आर्गन, इसको क्रिप्टॉन, इसको जेनॉन और इसको रेडॉन। जिन्हें नहीं पता चले इसको हम लोग जेनॉन कहते और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉन कहते हैं। बहुत इसको प्रॉब्लम होता है लड़कन को, इसको क्रिप्टॉन कहेंगे, क्रिप्टॉन हो जाएगा और ये आपका आर्गन, नियॉन और हीलियम है। जबकि देखिएगा द्वि परमाणविक गैसें कौन कौन है, जबकि द्वि परमाणु में आप याद कीजिएगा फोन, तब फोन में देखिए द्वि परमाणु मतलब कि यदि वह वैसा तत्व जिसको दो परमाणु सूचित करे, मतलब फ्लोरीन का गो दो परमाणु, ऑक्सीजन का कै परमाणु दो गो, नाइट्रोजन का कै गो दो गो, फोन पर क्या बोला जाता है हलो, तो देखो हलो यहाँ क्लोरीन लेंगे, हाइड्रोजन और क्या चीज क्लोरीन। तो बताइए एक परमाणविक गैसें कौन कौन है, छह गो समझ में आ गया होगा, छह यह आपको एक परमाणविक गैस है जो कि छह ऊपर और नीचे पांच, यानी टोटल कितना गैस हो गए, ग्यारह गैसे हैं। जब टोटल ऐसा ऐसे हैं जो ग्यारह गैसे हैं जो कि एक परमाणविक और दो परमाणविक, एक परमाणविक जो कि छह लिखे हैं इन्हीं, इसी को हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं। कौन गैस, अक्रिय गैस कहते हैं या सक्रिय गैस भी कहेंगे, इन नाम सुनिएगा। तो ये जो पॉइंट है अब देखिए हम लोग बात करेंगे इन गैसों में क्या होगा, ये जितना गैस है ग्यारह गैस, इस गैसों में याद कीजिए हाइड्रोजन गैस है ना वह सबसे हल्का, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का, जबकि याद कीजिएगा रेडॉन की बात करें, रेडॉन सबसे भारी, रेडॉन सबसे भारी। तो याद कीजिए सबसे हल्की गैस कौन, ये आपका प्रकृति की बात चल, तो बताइए कौन हो जाएगा हल्का, जबकि भारी कौन हो जाएगा आपका, देख लीजिए गैसों में बोल रहे हैं तो गैसों में सबसे भारी गैस कौन हो गया आप लोग का, अभी रेडॉन इन गैसों में आ गया होगा। लेकिन हम लोग बात करें कि ब्रह्मांड में, यदि ब्रह्मांड की बात किया जाए तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला गैस है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस हाइड्रोजन ही है। देखिए यहाँ सबसे बड़ा चूज करना है ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस, हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, जबकि याद कीजिएगा ये लगभग आप लोग के 74% पाया जाती है। जबकि हम बात कर लें कि आपको बता दें, जबकि सबसे कम मात्रा में रेडॉन है, यानी कम मात्रा में सबसे बता दीजिए कौन पाया जाता है, रेडॉन पाया जाता है। अब याद कीजिएगा सबसे कम मात्रा में रेडॉन पाया जाता है, एक बता देते हैं ब्रह्मांड के समय, ब्रह्मांड की बात किया जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे वायुमंडल में, वायुमंडल में यदि बात किया जाए तब देखिए यदि वायुमंडल में लेते हैं तो वायुमंडल में याद कीजिएगा सबसे अधिक यानी सर्वाधिक मात्रा में जो सबसे अधिक गैस पाए जाने वाला है, सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला गैस है वह नाइट्रोजन है, जबकि लगभग 78% पाया जाता है। कितना परसेंट, जबकि वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में क्या हो जाएगा, कम मात्रा में जो पाया जाने वाला है वह रेडॉन ही है, जो कि याद कीजिएगा रेडॉन उस टाइम निकलता है वायुमंडल में जब याद कीजिए जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, उस कंडीशन में आपका रेडॉन होती है, यानी नगण्य के रूप में वायुमंडल में आपका रेडॉन मिलता है। हम लोग मुख्य रूप से जो वायुमंडल में देख लिया, अब देखिए तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ कहा गया ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन, हाइड्रोजन लगभग 74%। लेकिन यदि वायुमंडल में आते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में कौन, नाइट्रोजन कै परसेंट, 78% होंगे। जबकि अब हम लोग बात किया जाए, आप देखिए बाबू यहां से हम लोग मेन चीज यही चीज सीखना है, जो पलानी जो कह जाए गैस है, गैस याद कीजिएगा दो गुणों का पालन करता है, मुख्य रूप से कितने गुणों का, दो गुणों का पालन करता है जो हम लोग आज सीखने वाले हैं। उसमें पदार्थ के जो गैसीय अवस्था है यानी गैस जो होती है दो गुण का पालन करता है, दो गुणों का पालन करता है, दो गुणों का पालन करता है,
पहला गुण ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में श्यानता के बारे में, श्यानता की भी चर्चा चला गया था, जिसको विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। और ये आपका श्यानता जो बताया गया था, द्रव की श्यानता, बोलिए द्रव की श्यानता, ये वो बताया गया था पिछले वीडियो में। द्रव की जो श्यानता होता था यानी यानी तापमान के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती के मतलब एक दूसरे से उल्टा, जब यह बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये मतलब क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में चर्चा चल रहा है, गैस की श्यानता। तो गैस की श्यानता में याद कीजिएगा, यानी ए जो होती है गैस की श्यानता ताप के समानुपाती होती है, अर्थात तापमान बढ़ेगा तो गैस की श्यानता क्या होगा, बढ़ेगा, जब ये घटेगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा। जबकि हम लोग दूसरे गुण की बात जब चर्चा चले तो दूसरा गुण आपका विसरण होगा। अब देखिए दूसरा गुण हम लोग बात चर्चा चलेंगे विसरण का, विसरण होगा। आप देखिए विसरण है क्या जी, तो विसरण हम लोग सबसे पहले याद कीजिएगा। अब सबसे पहले देखिए, जो भी पदार्थ का गैसीय अणु होती है, यानी किसी पदार्थ का गैसीय अणु, गैसीय जब अणु होगा, गैसीय अणु जब गुरुत्वाकर्षण में, जब गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी की ओर खींचेगा तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसीय अणु गुरुत्वाकर्षण किसका, किसमें, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, विरुद्ध जब यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपस में जब मिल जाएगा, आपस में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अब देखिए गैसीय अणु को जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यदि विरुद्ध आपस में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे अगर मतलब है कि बरियरी मिल रहा है, गैसीय अणु बताइए यानी गुरुत्वाकर्षण कह रहा है कि हमारे पास नहीं आई, लेकिन गैसीय अणु कहता है कि नहीं हम ऐबे करें। अर्थात अभी जैसे मान लिए कि हम अगरबत्ती इस कोना में जला दे, अब बताइए कि वहां, बताइए उस कोना तक आप देखेगा अगरबत्ती जलाएंगे तो ये पूरा फैल जाएगा। इसका मतलब है कि कह रहा है कि इधर नहीं आए, लेकिन ये कहता है कि हम जाएंगे, तो बताइए यही विसरण है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपस में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। विसरण की दर जो होती है ना, ये तो पूरा क्लियर हो गया होगा कि गैस की ताप, गैस की श्यानता तापमान बढ़ने पर क्या होगा, यानी श्यानता बढ़ेगा, जब ये घटेगा तो क्या होगा, ये घटेगा, मेन पॉइंट है ये चीज। लेकिन याद कीजिए विसरण की दर होती है ना, विसरण की दर देखिए, यही विसरण की दर, विसरण की दर, विसरण की क्या चीज, दर को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। विसरण की दर याद कीजिएगा घनत्व के वर्गमूल के, यानी ये आपका घनत्व को रो से, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर यानी रेट, यानी घनत्व के वर्गमूल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां होगा, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अब एक पॉइंट यहां से याद कर लीजिए, जैसे कह दिया जाए घनत्व बराबर फार्मूला आप लोग के पता होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। जब सामना सामने है तो वह एक दूसरे के क्या हो गया, आप बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्थात समानुपाती होगा। मतलब रो के जगह पर क्या दे सकते हैं, एम, एम के मतलब द्रव्यमान, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, रो के जगह पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं जो भारी गैस से होगा, वह देखिए भारी गैस का विसरण बताइए देरी से होती है, यानी लेट से होगा। तो याद कीजिएगा ये, मतलब याद करेगा यही चीज है, भारी गैस है, भारी गैस है देर से विसरित होता है, देर से विसरित होगा यानी फैलेगा। विसरित का मतलब समझ रहे, विसरित होता है, विसरित का मतलब समझिएगा कौन चीज, फैलना, बस ये चीज ध्यान दीजिए। जैसे हम आपसे कहें कि देखिए जी नाइट्रोजन गैस ले लीजिए, ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लीजिए और आप एक आर्गन गैस ले लीजिए। अब नाइट्रोजन के देखिए एक भारी है, ये भारी के अनुसार है, अनिभार के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। जब भार के अनुसार पढ़ रहे हैं तो देखिए नाइट्रोजन का,
जब नाइट्रोजन में जब आएगा तो नाइट्रोजन एक परमाणु का भार कितना 14, तो इसका 14 दूनी कितना 28 ग्राम होगी। ऑक्सीजन हो गया कितना 16, तो 16 दूनी कितना 32 ग्राम, यानी 32 ग्राम हो गया, क्योंकि एक एक ऑक्सीजन का अनिद्रमान 16 ग्राम, तो दो गो कितना 32 ग्राम। इसी प्रकार कार्बन का बताइए 6 ने 12 और प्लस ऑक्सीजन का 32 बराबर क्या ग्राम 44 ग्राम। आप बताइए आर्गन होगा 36 ग्राम। इन गैसों में बताइए सबसे अधिक भारी कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड यदि भारी है तो बताइए भारी गैस से देर से विस्तृत होगा, इसलिए जब भारी गैस होगा, जब भारी गैस यदि होगा तो उसका विसरण बहुत कम होगा। जब विसरण बहुत कम होगा तो बताइए जब विसरण नहीं होगा तो जहां रहेगा वहीं रहेगा। इसीलिए याद कीजिएगा वायुमंडल में, कहां जी वायुमंडल में, वायुमंडल में बताइए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह बहुत कम फैलता, यानी नीचे पाई जाती है। वायुमंडल के जो निचले परत में सबसे ज्यादा बताइए कौन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जबकि याद कीजिए वायुमंडल का जब हम लोग चर्चा चले थे, आप याद कीजिए पिछले वीडियो, आप लोग एक चीज आप लोग से बोल दे, आप लोग क्लास रेगुलर देखिए और क्लास रेगुलर देखिए और उसके बाद जो जो भी मतलब आपका बैक हुआ आप सबको आप उसको आप देख लीजिए। और जो बहुत सारे लोग देखते हैं क्या है कि मतलब एक जो एक वीडियो देखा और उस पर लगता है कि वो अब छोड़ो ना अब इतना हो गया, उतना मत कीजिए। आप रेगुलरिटी वीडियो देखिए और आप हमें मोटिवेट कीजिए, सर आप और वीडियो देते रहिए, आप उसी तरह का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहे, इतना एकदम कंफर्म रही। अब बताइएगा यहाँ के बाद तो 44 ग्राम, तो बताइए वायुमंडल के सबसे निचला परत अर्थात क्षोभ मंडल, बताइए क्षोभ मंडल में सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सबसे नीचे पाई जाती है। ये था आपका पदार्थ के गैसीय अवस्था का। जैसे हम लोग और बता दें पदार्थ का अगला अवस्था है, ये आपका पदार्थ का गैसीय अवस्था खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था की, पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था, ध्यान दीजिएगा प्लाज्मा के बारे में चलेंगे यानी प्लाज्मा अवस्था। आप देखिए यह प्लाज्मा अवस्था है पदार्थ की, तो एक प्लाज्मा अवस्था जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर पर पाया जाता है, किस टेम्परेचर पर, हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब सबसे उच्चतम तापमान पर पाए जाने वाले पदार्थ कौन होगा, प्लाज्मा अवस्था होगा, जो कि इसका जो यानी टेम्परेचर पाया जाता है जिसका या फिर जो याद कीजिएगा जो हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा है जो आयन के रूप में मिलता है, किसके रूप में मिलता है जी, जिसका पदार्थ जो पदार्थ आयन्स के रूप में मिलता है। अब ये जो आयन्स के रूप में मिलता है ना, अब देखिएगा हाईएस्ट टेम्परेचर पर कौन कहां पे होता है, जैसे बताइए सूर्य में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है कि नहीं, सूर्य में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, तो बताइएगा सूर्य में बताइए कौन टेम्परेचर अरे कौन सा पदार्थ की अवस्था पाया जाएगा, बताइए आप लोग कौन है, प्लाज्मा अवस्था। सूर्य में ले लीजिए, अब हम आपसे बोले पृथ्वी है, तो आप देखिए ये आपका पृथ्वी का जो संरचना देखेगा तो सबसे निचले हम लोग आइएगा तो सबसे नीचे को हम लोग कोर कहते हैं, तो कोर में इतना टेम्परेचर हाई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं पृथ्वी के निचले हिस्से में, तो ईद याद कीजिएगा तो पृथ्वी के कोर के रूप में, पृथ्वी के कहां कोर में भी हम लोग इसका यानी कौन सा अवस्था पाई जाती है पदार्थ का, प्लाज्मा अवस्था। नाभिकीय रिएक्टर ले लीजिए, नाभिकीय रिएक्टर में भी हम लोग यानी याद कीजिए पदार्थ की कौन अवस्था, प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। या फिर अब देखिए लोहा को गलाने के लिए हाई टेम्परेचर पर किया जाता है, तो याद कीजिए सौर भट्टी में, किसमें सौर भट्टी यानी सौर भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी सौर भट्टी में ही आपका प्लाज्मा अवस्था होता है। तो ये आपका जो कंडीशन मिला ना ये आपका प्लाज्मा, लेकिन याद कीजिएगा इसका खोज कौन किया है, 1920 ईस्वी में इरविंग लैंगमुर ने किया। ये आप लोग का प्लाज्मा पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था हुआ। आज आप लोग जो आपका पदार्थ के गैसीय अवस्था देखे,
पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था देखे और हमने अगले वीडियो में आप लोग पदार्थ के बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फर्मियंस इसके बारे में चर्चा चलेंगे। जो लोग नए हैं उनसे एक ही आपसे रिक्वेस्ट हमें है कि आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि हमें भी अंदर से जुनून मिलता रहे और आप लोग के हम इसी तरह का वीडियो देते रहे। आप लोग इसको आप लोग शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।